जो शादी का ट्विस्ट, आई थिंक दिस इज द बेस्ट इवेंट अभी तक, नॉट बेस्ट आई से नेक्स्ट बिग इवेंट अभी तक कुंडली भाग्य में. तो आई थिंक आपने जो प्रोमो देखा वो ये है कि पृथ्वी और प्रीता की शादी होने जा रही है और करण जो है उनकी शादी का कार्ड जला रहा है. तो करण कैसे रिएक्ट करेगा, क्या करेगा, और ये माइक गिरेगा या नहीं गिरेगा, ये देखने के लिए देखते रहिए कुंडली भाग्य 9:30 बजे ZTV. मैं भी यही जो इसने कहा वो सब कहना चाहूँगी कि कुंडली भाग्य में 2 साल के इंतज़ार के बाद प्रीता की शादी हो रही है और वो किससे होती है, वो अपना प्यार, अपने प्यार का इजहार करण से करती है या नहीं, या वो दोनों रियलाइज़ करते हैं कि वो दोनों प्यार करते हैं और टाइमली रियलाइज़ करते हैं कि नहीं, ये सब देखने के लिए आपको शो देखना पड़ेगा. आई थिंक प्रीता तो अभी तक थोड़ी कन्फ्यूज़ है कि वो किससे करना चाहती है, माँ की बात सुने तो पृथ्वी से करना चाहती है, दिल की बात सुने तो पता नहीं किससे, करण से पता नहीं भाई. बताती नहीं है, वो खुद को भी नहीं बताती है प्रीता की वो क्या करना चाहती है. बहुत डांट रही है इसने, मुझे बहुत डांटा है. तो यार एक बात बताओ यार, मतलब मैं नहीं करनी चाहती यार. मैं ना बड़ा रियलिस्टिक कैरेक्टर हूँ. जब 10 लोगों ने आके बोला कि प्रीता गलत है, प्रीता गलत है ना, मैं भी मानूंगा कि प्रीता गलत है. जब 10 लोग आके बोलेंगे प्रीता सही, तो मैं मानूंगा प्रीता सही है. लेकिन मैं ऑन अ सीरियस नोट ये कहूँगा कि जो करण है, कहीं ना कहीं आप लोग भी जानते हैं कि करण और प्रीता की जो अंडरस्टैंडिंग है एक दूसरे को लेकर, उनके किरदारों को लेकर, वो बहुत ही मतलब इट्स नॉट अ नॉर्मल थिंग. वो अलग लेवल पर है, वो एक दूसरे को समझते हैं, अलग भी हैं, घर से निकाल भी रहे हैं. तो आपने देखा होगा कि आंखें नम हैं दोनों की. अगर करण कर भी रहा है गुस्सा तो आंखें नम हैं. तो आई थिंक वो एक अनसेट चीज़ है कि कहीं ना कहीं वो नहीं चाहता था, या उसे वो उसको ऐसा भी अभी भी लगता है कि कहीं ना कहीं जो वो कर रहा है वो गलत है. आई डोंट नो. और ये भी बहुत रियल है क्योंकि लाइफ में कई बार लाइफ ऐसा टर्न ले लेती है कि बहुत दुख होता है, सरप्राइज होता है. दो लोग जो बहुत करीब होते हैं, एक दूसरे को बहुत जानते होते हैं, वो भी अलग हो जाते हैं. तो उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं और ये कोई बहुत अनकॉमन बात नहीं है. हर तीसरे चौथे रिलेशनशिप में ऐसे फेजेस आते हैं या वो इस तरह से टूट जाता है या फिर बाद में बनता है. तो ऐसा ही कुछ कुंडली भाग्य में भी हो रहा है. करण और प्रीता सोचते थे कि एक दूसरे के बहुत करीब है, एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, बट एक मिसअंडरस्टैंडिंग्स का फेज उनकी लाइफ में आ गया. और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि यार दो लोग एक दूसरे को तभी हर्ट करते हैं जब दोनों के बीच में बहुत प्यार होता है, फ्रेंडशिप, और तभी वो फील भी करते हैं. आई थिंक सो. आई थिंक ये जो भी सिचुएशंस हैं अभी लाइफ में, जो दूसरा परिवार फेस कर रहा है या अरोड़ा परिवार फेस कर रहा है, आई थिंक ये जो बादल छट जाएंगे जल्दी और सब कुछ ठीक हो जाएगा ऐसा हमें लगता था. पर अभी शादी करने जा रही है, इसने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया, सरला जी ने इतना बड़ा एक कदम उठाया कि वो प्रीता की शादी अगले 3 दिन में कर देंगी. आई थिंक करण इज नॉट हैप्पी अबाउट इट. आई थिंक इसलिए शायद कार्ड वार्ड जला रहा है और सब कुछ है. तो मुझे ऐसा लगता है कि जो कैरेक्टर्स हैं, मैं कहता हूँ रियल लाइफ में भी अगर शायद ऐसा ही होता होगा कि अगर बेटी की इतनी बेइज्जती कोई कर दे तो माँ हमेशा यही चाहेगी कि बेटी को सुखी देखे. इसलिए शायद उनको लगता है कि पृथ्वी इज़ अ बेटर चॉइस फॉर प्रीता. बट ऑडियंस को क्या लगता है और ऑडियंस क्या चाहती है और होता क्या है, और होता क्या है, ये देखने के लिए आप देखते रहिए कुंडली भाग्य. 2 साल तक ये डिसाइड करी थी कौन से कलर का लहंगा पहनेगी. मतलब ये कैसा सवाल है कि 2 साल बाद शादी हो रही है तो कितने टाइम तक शादी चलने वाली है. वो तो मतलब उसका कोई रिलेशन उससे नहीं है. बट अब शादी होगी तो शादी चलेगी भी, बट सवाल ये है कि शादी होगी किससे. यार आई थिंक आप अगर देखेंगे सिचुएशंस लाइफ में भी ऐसी होती हैं. मुझे ऐसा लगता है कि कुछ अगर शुरू हुआ तो उसको प्रॉपर एंड करना चाहिए, उसकी एंडिंग प्रॉपर होनी चाहिए. अगर हम आज शादी की शुरुआत कर रहे हैं, आपने अभी प्रोमो देखा, प्रोमो लॉन्च हुआ है, सब कुछ है, अभी ये ट्रैक स्टार्ट हुआ है. आई थिंक लोगों को इस चीज़ का इंतजार था कि अभी आगे क्या होगा. हमें इतने ट्वीट्स, इतने मैसेजेस मिलते हैं, इतनी मेल्स आती हैं, वो हमेशा ये पूछते थे कि 2 साल से स्टोरी आगे नहीं बढ़ी. आई थिंक दिस इज़ द टाइम कि हमने स्टोरी आगे बढ़ाई है. अब स्टोरी आगे बढ़ने के बाद इफ़ वी स्टार्टेड सम ट्रैक इट विल टेक सम टाइम टू, तो इतनी पेशेंस रखें, सब्र रखें, सब्र का फल मीठा होगा. सब्र का फल प्रीता होता है. मैंने इनको जवाब दिया था इस बात का कि प्रीता विल क्लिक अ लॉट ऑफ पिक्चर्स. वो कहेंगी करण चलना टिकटॉक बनाते हैं, फिर टिकटॉक बनानी है, फिर कहेगी यार आज हम दोनों बड़े अच्छे लग रहे हैं, फिर से सेल्फीज ले लेते हैं, फिर एक काम करते हैं वीडियोज़ बनवाते हैं. तो ये हमारा एक्साइटमेंट लेवल होता है काम पे जाने का. कि और बहुत सारे वीडियोज़ और बहुत सारे फोटोज़ मैंने ऑलरेडी खींच के रखे हैं अपने प्रोमो शूट से, जो कि जब प्रोमो बाहर आएगा तब मैं पोस्ट करूँगी, तो उसके लिए भी आई एम वेरी एक्साइटेड. और क्या होता है जब ये बहुत खुश हो जाती है ना, तो ये मैं इसको मैसेज करता हूँ आज शूट है, आज शूट है. तो मैंने कहा यार बड़े दिनों से हम लोग ऐसा सेट
सीन कर रहे हैं, हाँ आज ना कुछ अच्छा मंगा के खाते हैं, तो इसका जो खुशी है वो ये होती कि आज कुछ अच्छा खाते हैं। मेरी लाइफ में सारी खुशियाँ फूड रिलेटेड है और आई होप कि आगे चल के इसमें थोड़ा चेंज आए, जैसे कि कुंडली भाग्य में आ रहा है। इसलिए शायद ज़्यादा खाती है। हाँ बहुत डांस कर रही हूँ आजकल। बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस, जैसे शो में मैं करण को डांस कराती हूँ ऐसे मैं अब रियल लाइफ में भी बहुत डांस कर रही हूँ, उसकी वजह से बहुत गोलियाँ खा रही हूँ, पुर्जा पुर्जा दुख रहा है, बट इट्स दैट स्वीट काइंड ऑफ पेन। और मुझे डांसिंग बहुत पसंद भी है तो मैं वो सीख रही हूँ इसी बहाने से, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। लास्ट क्वेश्चन, I am not leaving the show, I am living the show. मैं बहुत इजीली मैनेज कर लेती हूँ, मैं फ़ोन करती हूँ करण को और मैं बोलती हूँ सुन आज तू प्रीता बन जा, तो ये बिग बुक लगा के प्रीता बन जाता है। आप लोगों को पता ही नहीं चलता पीछे से प्रीता खड़ी करण खड़ा है ना, एक्चुअली एक बार अभी इसे हेयर स्टाइल भी करण जैसे कर लिया शो में। यार गाइस थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड इतना ज़्यादा प्यार दिया आपने पहले दिन से, पहले हफ्ते से, आई थिंक इतना ज़्यादा प्यार, आई थिंक आप हम जितना हम जीते हैं प्रीता और करण को, आई थिंक आप लोगों ने भी हमारे साथ हर पल हर दिन जिया है एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव टू कुंडली भाग्य, कुंडली भाग्य कास्ट, वी प्रोमिस दैट वील कीप एंटरटेनिंग टू द बेस्ट ऑफ आर एबिलिटीज एंड ऐसे ही कुंडली भाग्य को प्यार देते रहिए एंड मैं हक से कहूँगा देखते रहिए कुंडली भाग्य 9:30 बजे और कहीं मत जाइए, क्योंकि मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ, ये दीकरण लूथरा का वादा है कि सब्र का फल मीठा होता है। थैंक यू सो मच।